The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So we have already talked about macronutrients. अगर आप मुझे follow करते हो तो आप समझते हैं कि आपके diet में nutrients जो होते हैं इनमें carbohydrate, proteins and fats majorly macronutrients यही है carbs, proteins and fats. लेकिन आज हमारी बातचीत जो होने वाली है वो होने वाली है micronutrients यानी के minerals पे. vitamins भी होते हैं लेकिन vitamins पे हम बातचीत नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं minerals पे. So क्या है ये minerals? देखिए minerals होते हैं वो ions, वो anions, cations, positive ions, वो salts जो आपके शरीर में जाते हैं. इसमें चार मोटे मोटे आयन्स एनायन्स हैं, पॉजिटिव सॉल्ट्स हैं. नंबर वन इज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. सो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये मोटे मोटे ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होने वाले आपके कैटायन्स हैं. इनके सॉल्ट्स होते हैं जिस जो आप खाते हैं. सो ये कैटायन्स और दो एनायन्स हैं जो मेन है. एनायन्स यानी नेगेटिव आयन्स. नेगेटिव आयन्स जो मेन है वो है आपके फॉस्फरस और क्लोराइड. फॉस्फरस और क्लोराइड ये दो मेन है. ये तो कितने हो गए? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फरस, क्लोराइड. ये सारे मिनरल्स हैं. इसके अलावा और ट्रेस मिनरल्स हैं. ट्रेस मिनरल्स में और आती हैं आपके जो जिंक हो गया, आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, आपके सेलेनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, फ्लोराइड हो गया, राइट. सो ऑल दीज आर ट्रेस मिलिनियम. मॉलीबिडेनियम, मॉलीबिडेनियम भी है, लाइक यू नो. सो ये सारे हैं ट्रेस मिनरल्स, राइट. नाउ ट्रेस क्यों बोलते हैं? रिक्वायरमेंट अमाउंट के हिसाब से. जो हमने मैक्रो जो मिनरल्स की बात करी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड और फॉस्फरस, इनकी रिक्वायरमेंट होती है कहीं भी 0.3 से लेके 2 ग्राम्स तक. 0.3 टू 2 ग्राम्स पर डे की रिक्वायरमेंट होती है डेली की. लेकिन ट्रेस मिनरल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है, बहुत ही कम. लेकिन फिर भी डेफिशिएंसी इनमें से किसी भी चीज़ की पाई जाती है. लेकिन हम हर एक डेफिशिएंसीज के बारे में नहीं बात करने वाले. डाइटरी डेफिशिएंसीज जो होती है नॉर्मली मल्टीपल एक साथ होती है. मेजर मेजर डेफिशिएंसीज विटामिंस की हो सकती है, किसी मिनरल की हो सकती है, और मल्टीपल डेफिशिएंसीज बहुत कॉमन है. जो मोस्ट कॉमन मिनरल डेफिशिएंसी है दोज आर एक्चुअली आयरन डेफिशिएंसी. आयरन डेफिशिएंसी के बारे में हमने पहले बात कर चुकी है एनीमिया वाले वीडियो में, और आयरन डेफिशिएंसी वाले डेडिकेटेड वीडियो अलग से हमने बात करी है. उसके अलावा दूसरी है जिंक डेफिशिएंसी, और थर्ड है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी. मैग्नीशियम, जिंक और आयरन ये सबसे कॉमन ट्रेस या मिनरल डेफिशिएंसीज हैं, राइट. सो इनका रिक्वायरमेंट हमारे को बहुत, देखिए जिंक का ट्रेस रिक्वायरमेंट है, आयरन का ट्रेस रिक्वायरमेंट है, मैग्नीशियम का थोड़ा रिक्वायरमेंट होता है. और ट्रेस मिनरल डेफिशिएंसी हो, आयरन डेफिशिएंसी हो, इन सब से आपको बीमारियां होती हैं. इवन ये सारे ज़्यादा हो जाए तो भी बीमारी होती है. जैसे अगर मान लीजिए आयरन ज़्यादा हो गया तो हीमोक्रोमेटोसिस, कॉपर ज़्यादा हो गया तो विल्सन्स डिजीज या किडनी में प्रॉब्लम आएगा. सो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाना भी खराब है, राइट. सो दैट इज समथिंग टू कंसिडर. पोटेशियम ज़्यादा हो गया तो हार्ट में गड़बड़ आएगी. तो इसमें हर चीज़ एक एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपकी बॉडी का कवर करती है, राइट. सो जो हमने बात करी थी पहले, हम एक ओवरऑल आपको बता देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, आप जानते हैं सोडियम आपकी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है. सो जहाँ पर आपका सोडियम चैनल्स आपकी किडनी में, आपके ब्लड में, आपके यूरिन में, ये सोडियम का इम्पोर्टेंस है कि पानी ऊपर नीचे बैलेंस में रहे. सोडियम का इम्पोर्टेंस है कि अगर आप सोडियम ज़्यादा खा लेते हो तो बीपी बढ़ सकता है, किडनी ख़राब हो सकती है. पानी कम पीते हो, सोडियम खा रहे हो तो भी हीमो कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, तो भी आपका बीपी बढ़ सकता है. और इवन अगर सोडियम बहुत कम ले रहे हो
तो भी आपको दिक्कत हो सकती है हाइपोनेट्रीमिया में, सोडियम कम हो जाने से दिमाग में सूजन हो सकती है, आपकी बॉडी में सूजन आ सकती है, राइट। पोटेशियम का काम है इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेशियम जो होता है वो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको स्टेबलाइज करता है। अगर पोटेशियम हाई हो जाए, हाइपरकैलेमिया हो या हाइपोकैलेमिया, यानी पोटेशियम हाई या पोटेशियम लो हो जाए, तो हार्ट के अंदर अंदर रिदम प्रॉब्लम आ सकती है। जिन लोगों को किडनी बीमारी होती है, जो लोग पेशाब आने वाली दवाई ज़्यादा डायूरेटिक्स लेते हैं, उनको पोटेशियम की बीमारी ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज जब भी डायरिया होता है, जब भी इसमें पोटेशियम लूज़ होता है, जब भी आपको यूरिन ज़्यादा आता है पोटेशियम लूज़ होता है, डायूरेटिक्स से पोटेशियम लूज़ होता है। और रिमेंबर, इन सब से आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, राइट। और दूसरा क्लोराइड और फॉस्फरस, ये नेगेटिव आयन से, एक बाइकार्बोनेट भी नेगेटिव आयन है जो आपकी किडनी बनाती है, आप बाहर से भी ले सकते हो, लेकिन फॉस्फरस आपकी बोन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्लोराइड आपके बॉडी के अंदर नेगेटिव बैलेंस, इंपॉर्टेंट बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे मेजर मेजर, कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोन्स, आपकी हड्डियों के लिए, आपकी बॉडी के इवन एक एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए। आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी हो तो मसल्स में स्पाज़म होगा, हड्डियों में दर्द होगा, बिकॉज हड्डियों में कैल्शियम भरा हुआ है, आपकी हड्डियों में कैल्शियम नकानक भरा हुआ है, और अगर आप कैल्शियम नहीं लेते हो तो आपकी हड्डियों से निकल देगा। तो अगर आप कैल्शियम नहीं लोगे, आपके हड्डियों से निकलेगा, तो हड्डियां में कितना कैल्शियम कम हो जाएगा। तो इसीलिए बॉडी क्या करेगी, आपको सिग्नल देगी, बोन पेन देगी, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मसल स्पाजम देगी कि कैल्शियम खाओ। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई मिनरल डेफिशिएंसीज, हाउ इट कैन गिव यू सिम्टम्स, बॉडी पेन हो सकता है। मैग्नीशियम एक बहुत जरूरी है जो केमिकल रिएक्शंस के लिए बहुत जरूरी है, ओवर 300 केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। मैग्नीशियम नर्व्स के लिए और मसल्स के फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है, इवन हार्ट के मसल को स्टेबलाइज करने के लिए। जिन लोगों को एक्टॉपिक्स आते हैं, जिन लोगों के हार्ट बीट एक्टॉपिक बीट या स्किप्ड बीट होती है, जिन लोगों को रिस्क होता है उस तरीके का, तो उनके लिए भी मैग्नीशियम बहुत जरूरी है। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होना उनके लिए हानिकारक है ऐसे सिचुएशन में। सो मैग्नीशियम भी बहुत जरूरी है, कैल्शियम भी बहुत जरूरी है, और हर एक मिनरल बहुत जरूरी है। इवन बोन्स के लिए मैग्नीशियम बहुत जरूरी है, हार्ट बीट के लिए मैग्नीशियम, इम्यून सिस्टम के लिए मैग्नीशियम बहुत जरूरी है। तो आप सोच सकते हैं कि जब इसकी कमी आ जाएगी मैग्नीशियम की, तो आपको अगेन बोन पेन, मस्कुलर पेन्स, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर एरिथमियाज हो सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है, ये सारी चीजें हो सकती है। अब बात आती है कि भाई अब इतने सारे ट्रेस मिनरल्स हैं, जिंक है, जिंक स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। जिंक अगर कम हो जाएगा, हेयर फॉल हो सकता है, स्किन खराब हो सकती है, बॉडी की हीलिंग, इम्यून सिस्टम खराब हो सकता है। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी, जिनसे आप समझ सकते हैं कि क्या है कैसे है। लेट्स अंडरस्टैंड कि आपको चीज़ें कहाँ कहाँ से मिलेगी, राइट। अगर हम बात करेंगे पर्टिकुलर किसी एक चीज़ की, जैसे कि इवन आयोडीन बहुत ज़रूरी है, आयोडीन आयोडीन काहे के लिए ज़रूरी है, थायराइड का, थायराइड हार्मोन आयोडीन से बनता है। सो आयोडीन की कमी हो जाएगी तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म होने का चांसेस है। आयरन बहुत ज़रूरी है, आयरन की कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, तो आयरन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसीलिए हमें हर एक चीज़ अच्छी मात्रा में चाहिए। लेट्स रन थ्रू कि कौन कौन सी चीज़ किस किस चीज़ में पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम सीधा शुरुआत करते हैं जिंक से। जिंक जो है वो एनिमल फूड्स में, यानी लिवर मीट, लिवर ऑयस्टर, सी फूड, फोर्टिफाइड सीरियल्स, पीनट्स, होल ग्रेन्स, इनमें पाया जाता है। और प्लांट्स में बहुत वेरिएबल है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। अगेन फिर से समझ ले, जिंक की इंपॉर्टेंट क्या है, स्किन के लिए, वुंड हीलिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, हेयर्स के लिए। डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, आपके गोनैड्स, इवन आपके जो टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन लेवल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा खा लोगे तो क्या होगा, आपको इम्यूनिटी इम्पेयर्ड हो सकती है। सो इसलिए दोनों में खराबी है। फिर बात करते हैं हम सेलिनियम की। सेलिनियम इज इम्पॉर्टेंट फॉर थायराइड फंक्शन। सेलिनियम थायराइड के लिए बहुत ज़रूरी। सेलिनियम काय में होता है, सी फूड, नट्स में, प्लांट बेस्ड फूड में भी सेलिनियम होता है, और अगेन उसमें सॉइल में होता है, बेसिकली जो जमीन से निकलते हैं ना खाने पीने की चीज़ें, उनमें होता है। सेलिनियम एक
ग्लूटाथियोन बनने पेरोक्सीडेज, ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज का कंपोनेंट है और थायराइड हार्मोन के लिए जरूरी है। तो थायराइड के लिए और ग्लूटाथियोन आपकी बॉडी में सबसे जरूरी एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम है ग्लूटाथियोन, उसके लिए सेलेनियम बहुत जरूरी है। तो अगर सेलेनियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो अगेन आपको मसल वीकनेस, इवन कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, थायराइड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और टॉक्सिसिटी ज़्यादा खा लोगे तो एबनॉर्मल में नोजिया, डर्मेटाइटिस, एबनॉर्मल नेल्स में प्रॉब्लम हो सकती है अगर ज़्यादा ले लोगे। मॉलिब्डेनियम क्या है? मॉलिब्डेनियम इज इन अगेन अ ट्रेस मिनरल, ये भी आपको दूध से, लेग्यूम्स से, यानी दालों से, होल ग्रेन से, ब्रेड सीरियल से, डार्क ग्रीन वेजिटेबल से मिल जाता है। तो इसके बारे में चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन ये किस काम आता है? ये भी बॉडी के अंदर एंजाइम्स, ऑक्सीडेटिव अल्डिहाइड ऑक्सीडेशन एंजाइम्स में काम आता है। ये अगर ज़्यादा हो जाए तो धड़कन बढ़ेगी, सर में दर्द होगा, नौजिया होगा, ये सारी चीज़ें होगी। फिर मैंगनीज, मैंगनीज भी होल ग्रेन्स में, पाइन एप्पल में ज़्यादा है, नट्स में ज़्यादा है, टी में मैंगनीज है, बीन्स में है, टमाटो में है, टमाटो पेस्ट में है, इनमें होता है। और मैंगनीज जरूरी है बोन्स के लिए, बोन्स के लिए इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल एंजाइम कंपोनेंट है एंजाइम्स के लिए, एंजाइम्स जो बोन्स बनाती हैं, राइट। और अगर ये ज़्यादा कम हो जाए तो बोन्स में प्रॉब्लम आ सकती। आयरन भाई साहब बहुत ज़रूरी है, यू नो योर सेल्फ, आयरन हीमोग्लोबिन के लिए, आयरन एनीमिया के लिए बहुत ज़रूरी है। और आयरन किस में होता है? आयरन होता है बहुत सारे खाने पीने की चीज़ों में एक्सेप्ट डेयरी प्रोडक्ट्स। जी हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स में आयरन कम होता है, सोयाबीन में आयरन होता है, आयरन होता है किडनी, लिवर, फिश, इन सब चीज़ों में। तब एनिमल फूड में बीफ में आयरन होता है, पोल्ट्री में आयरन होता है, पोल्ट्री यानी एग्स में होता है, बीन्स में होता है, आपके सीरियल्स में, ग्रेन्स में, इन सब में आयरन होता है, राइट। वेजिटेबल्स में कम ज़्यादा होता है, अनार वनार में आयरन नहीं होता जहाँ तक लोगों को लगता है, लाल चीज़ों में, चुकंदर में, ऐसा कुछ नहीं है। चुकंदर में, लाल चीज़ों में हाई आयरन नहीं होता, आप अगर एक्चुअली रिसर्च करके देखें आपको समझ में आएगा, राइट। आयरन की ज़रूरत है आपको हीमोग्लोबिन के लिए, आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, हीमोग्लोबिन बनने के लिए, HB आपके अंदर जो आयरन प्रोफायरिन रिन है, तो आयरन कम होगा तो एनीमिया हो जाएगा। आयरन डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया इन इंडिया, सबसे कॉमन, इसीलिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को आयरन लेना ही लेना चाहिए। आयरन कम हो जाएगा तो आपको पाइका होगा, पाइका मतलब उल्टी सीधी चीज़ें खाने का मन करेगा, आपका मिट्टी खाने का मन कर, चौक खाने का मन करेगा, उल्टी सीधी चीज़ें खाने का मन करेगा, ग्लॉसाइटिस होगा आपको, एंगुलर चिलोसिस होगा आपको। ज़्यादा आयरन हो गया तो आयरन लिवर में डिपॉजिट होगा, लिवर खराब करेगा, डायबिटीज़, मेलाइटिस हो सकता है, स्किन पिगमेंटेशन हो सकता है ज़्यादा आयरन हो जाने से। फिर आयोडीन, आयोडीन थायराइड के लिए सबसे ज़रूरी है जैसा हमने ऑलरेडी बताया, और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ का इसीलिए आयोडीन ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, राइट। प्रेग्नेंट लेडीज़ का बहुत, बच्चों के डेवलपमेंट में, फीटस डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी है। आयोडीन मिलता है सी फूड से, सी फूड आयोडाइज्ड सॉल्ट से, अंडे से, चीज़ से और पानी से, ड्रिंकिंग वाटर में आयोडीन होता है, इसमें कंटेंट वेरी करता है। इसके अलावा जो भी खाना सी के, ज़मीन से निकलता है, सॉइल से निकलता है, उसमें आयोडीन, सी वीड में आयोडीन होता है, सी के पास से यानी समुंदर के पास से जो भी मिलता है फूड उससे, उसमें आयोडीन होता है। आयोडीन कम हो जाए तो गोइटर होगा, थायराइड प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा हो जाए तो हाइपरथायराइड भी हो सकता है। फ्लोराइड दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है, फ्लोराइड बोन्स और टूथ फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्लोराइड भी मिलता है सी फूड में, टी में होता है, फ्लोराइड कंटेनिंग फ्लोरिडेटेड वाटर आता है अलग से, आप उसमें मिलेगा आपको। अगर फ्लोराइड की कमी हो गई तो डेंटल केरी, दांत खराब हो सकते हैं, बोन खराब हो सकती है, ज़्यादा हो गया तो फ्लोरोसिस हो सकता है, राइट। परमानेंटली आपको टीथ में एक्सोस्टोसिस आ सकता है, टीथ खराब भी हो सकते हैं, उल्टे सीधे शेप आ सकते हैं ज़्यादा हो जाए तो फ्लोराइड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर कॉपर, कॉपर क्या करेगा? कॉपर किस में है? कॉपर है मीट में, शेलफिश, नट्स और दालों में है, ड्राइड फ्रूट्स में है, होल ग्रेन्स में है, लेग्यूम्स दालों में है, और सीरियल्स, पीज, मशरूम में कॉपर है, टोमेटो में कॉपर है, ये याद रखिए। तो मीट, फिश, नट्स, टोमेटो, मशरूम्स, तो जिनको कॉपर ज़्यादा हो जाता है, कॉपर क्यों ज़रूरी है? कॉपर एंजाइम है जो ब्लड के सेल, हीमेटोपोइसिस, ब्लड के सेल बनने में ज़रूरी है, बोन के बनने में ज़रूरी है। लेकिन कॉपर की कमी हो जाए
तो क्या होगा, एनीमिया होगा, खून की कमी होगी, ब्लड नहीं बनेगा, बोन नहीं बनेगा, बोन वीक होंगे, और अगर ज़्यादा हो जाए तो लिवर में डिपॉजिट होगा, आपके लिवर में टॉक्सिसिटी करेंगे, विल्सन्स डिजीज करेंगे, राइट। कई पेशेंट होते हैं जो विल्सन डिजीज, लेकिन ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। फिर अच्छा क्रोमियम, क्रोमियम क्या है, क्रोमियम किस में होता है, वो होता है लिवर में, प्रोसेस्ड मीट में, होल ग्रेन्स में, नट्स में। सो ये लिवर होता है इन सब, लिवर सॉरी क्रोमियम होता है लिवर, प्रोसेस्ड मीट, होल ग्रेन्स और सीरियल नट्स में। लिवर क्रोमियम की ज़रूरत है ग्लूकोज टॉलरेंस, यानी ग्लूकोज ज़्यादा खा पाओगे, उसको सही तरीके से पचा पाओगे। इससे अगर आप क्रोमियम की कमी है तो आईजी इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस हो जाएगा आपको, दैट इज ऑल्सो वन कंडीशन विच यू नीड टू नो अबाउट। सो ये जो सारे हुए, क्रोमियम, कॉपर, फ्लोराइड, आयोडीन, आयरन, मैंगनीज, मॉलीबेडिनियम एंड सेलेनियम और जिंक, ये सारे क्या हुए, ये सारे हुए ट्रेस।